चलिए आज कुछ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चैप्टर्स जब आप इसको फाउंडेशन के अलावा हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हो, तब भी आपको ये काम में आता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोग देखेंगे कि व्हेन अ एप्पल फॉल्स फ्रॉम अ ट्री क्या होता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन ने हमें बताया कि ऑप्शन ए क्या बोला है, ओनली अर्थ अट्रैक्ट्स द एप्पल। तो अगर एप्पल है, अर्थ पे गिर रहा है, तो ये अर्थ है और ये एप्पल है अगर, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा जो कि इनके सेंटर से जुड़ा हुआ जो डिस्टेंस है उससे लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होगा आंसर, देखिए ओनली एप्पल अट्रैक्ट्स द अर्थ, ये भी गलत हो जाएगा। ओनली अर्थ अट्रैक्ट्स द एप्पल, ये भी गलत हो जाएगा। नन ऑफ द अट्रैक्ट्स ईच अदर, ऐसा ये बोलना भी गलत है। तो आंसर क्या होगा, बोथ एप्पल एंड अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा यहाँ पे, तो सी इज़ द राइट आंसर। फिर सेकंड ऑप्शन जो हम लोग देख रहे हैं, उस सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है हमें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो कौन से फैक्टर से जिस पे वो डिपेंड नहीं करती। एक तो शेप ऑफ द बॉडी, इस पर डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो किस पे डिपेंड नहीं करती होगी देखते हैं। हमें पता है कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाय उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर, आर स्क्वायर, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जी की वैल्यू है जो एक एक्सपेरिमेंट के बाद हमको पता चली है, ठीक है। तो मास पे डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मास मतलब मास पे भी डिपेंड करता है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है जो यूनिवर्सली हर जगह यूज़ करने पड़ते हैं। शेप ऑफ द बॉडीज पे नहीं डिपेंड करता, हमको क्या करना है, शेप कैसा है, मास हमें मिल गया तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़ें, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को ध्यान दो आप लोग। देन नेक्स्ट आपको बोला गया तीसरा क्वेश्चन कि व्हेन द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज चेंजेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। तो मीडियम, मीडियम मतलब अगर ये बॉडी है और ये बॉडी है, इन दोनों के बीच में कुछ है, पानी है, हवा है, कुछ भी है, ठीक है। तो उसके वजह से इन दोनों बॉडीज के बीच में, एम वन और एम टू बॉडीज के बीच कुछ फोर्स में डिफरेंस आएगा क्या, फोर्स में डिफरेंस आएगा क्या, ये पूछा गया हमें। तो आएगा क्या, इट विल इंक्रीज, इट विल डिक्रीज, है ना, विल चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, इन सब चीज़ों का कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। अगर यहाँ एक बॉडी है, यहाँ एक बॉडी और यहाँ एक बॉडी है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो, इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन तीनों में भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम और जो भी चेंजेस है, तो इट विल रिमेन सेम, ठीक है। ये बात इम्पॉर्टेंट थी, हमको समझ में आनी चाहिए। ए फोर, एसआई यूनिट ऑफ जी, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका एसआई यूनिट देखना है हमें। तो एसआई यूनिट क्या है इसका, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, फिर जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाय एम वन एम टू, ये हो जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन इस, है ना। तो इसमें यूनिट क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर, ये है इसका यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। देन इक्वेशन नंबर फाइव, ए फाइव क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होती है, वैल्यू किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये पूछा है हमें। तो बताइए फैक्टर्स कौन से होंगे, चेंजेस विद द चेंज ऑफ प्लेस, कभी नहीं चेंज होता, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट ये वर्ड है, तो हमेशा आप ध्यान रखो कि इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट बिकम्स मोर एट नाइट, इट बिकम्स मोर ड्यूरिंग द डे, ऐसा कुछ इंसानों जैसा ये नहीं बदलता, तो
डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। A6, A6 क्या है? द वैल्यू ऑफ एस आई यूनिट, वैल्यू ऑफ जी इन एस आई यूनिट क्या है? एस आई यूनिट में वैल्यू पता ही है आपको, 6.67 × 10⁻¹¹। ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यूज, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 7, A7 क्या बोला है? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज वेरीज विथ डिस्टेंस। कैसे? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। सही बात है। तो A7 का आंसर हमें पता ही है कितना होगा, ये होगा बी, ठीक है। तो बहुत ही आसान आसान से सवाल है। देन यहाँ पर बोला गया है कि इन A8 द वैल्यू ऑफ जी इन ईयर 1900 वॉज 6.67 × 10⁻¹¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, द वैल्यू इन 2007। तो मजाक चल रहा है यहाँ पे, है ना? तो मजाक चल रहा है, तो उस मजाक का आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी? आपको पता ही है, यूनिट पता है आपको, तो आंसर विल बी डी, 6.673 × 10⁻¹¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ठीक है। तो A8 का आंसर भी आपको मिल गया। देन A9, A9 क्या है? A9 वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, सर्फेस ऑफ द अर्थ पे वैल्यू ऑफ जी दी गई है, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून क्या हो जाएगी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो, UGC, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, तो आंसर क्या होगा, सेम आंसर होगा अभी जो हमने दिया था, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये मजाक कर रहे हैं आप लोगों के साथ इन क्वेश्चंस में, ताकि वो जान सके कि सही में कोई पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। A10 द अर्थ अर्थ एक्सेलरेट्स द मून विद ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻²० एंड द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ विद अ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 10⁻²० ठीक है, एंड द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ विद अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ, तो देखो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है ये, है ना, हमने देखा है। तो कितना होगा, जितना वो फोर्स लगाएगा उतना ये भी लगाएगा, तो सेम आंसर होगा। तो ये कॉमन सेंस भरे आंसर्स कभी कभी हम गलती करते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज अप्लीकेबल फॉर हेवी बॉडीज ओनली, ऐसा है क्या? बी मीडियम साइज बॉडीज ओनली, स्मॉल साइज बॉडीज ओनली, कि बॉडीज ऑफ एनी साइज, क्या होगा इसका आंसर, सोचो थोड़ा। द बॉडीज ऑफ एनी साइज, हमें बस मास से लेना देना है, तो वो दो चींटियों के बीच का मास है, कि दो एप्पल्स के बीच का मास है, कि दो प्लैनेट्स के बीच का मास है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देन A12 बोला है कि द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वॉज प्रपोज बाय, ये आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री में, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कॉपरनिकस नहीं, गैलीलियो नहीं, आर्किमिडीज साहब नहीं, है ना, एक ही बाबा न्यूटन बाबा, समझ में आया? तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करने का, सर आइज़ैक न्यूटन इनका ही है ये। देन A13 क्या है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल बॉडीज रिपेल इच अदर इन द यूनिवर्स, गलत है, ऑल बॉडीज अट्रैक्ट इच अदर इन द यूनिवर्स, ऐसा होना चाहिए था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 8.9 होता है, तो कन्फ्यूज कराने के लिए ऐसा दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। बी स्टेटमेंट, अवर अर्थ डज नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ठीक है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कि अर्थ मैग्नेट है या नहीं? अर्थ एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, अर्थ डज नॉट नहीं, अर्थ मैग्नेट है खुद, अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये अर्थ के बीच में कोर से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट ईयर जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 10th क्लास में पढ़ोगे, उसमें आपको समझ में आएगा कि
अर्थ एक मैग्नेट है, यहाँ पर साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, ज्योग्राफिकल पोल, और अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल नीचे है और मैग्नेटिक साउथ पोल ऊपर है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिए, बहुत काम में आने वाली है। देन क्वेश्चन नंबर A14, तो इसका आंसर क्या होगा A13 का? A13 क्या? ऑल द बॉडीज फॉल एट सेम रेट इन वैक्यूम, ऐसा बोला है। तो आपने वो लास्ट टाइम मैंने जो ग्रेविटेशनल वाला वीडियो डाला था उसमें आपने देखा होगा कि ये एक बर्ड का फिदर वैक्यूम में और मास दोनों एक साथ नीचे गिरते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? तो प्लीज़ आप इसको समझिए। देन A14 क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस, शॉर्ट रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स, मीडियम रेंज फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। अरे बॉडीज पे तो, डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता है, ठीक है, पर एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब अर्थ से लेके मून तक, अर्थ से लेके यहाँ पे हमारा सन है, दूर है बहुत, फिर भी इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, हमें महसूस नहीं होता है कि अर्थ ने हमको अपने तरफ खींचा हुआ है, हमें सन ने अपने तरफ खींचा हुआ है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम का अरेंजमेंट है, यहाँ सन है, इन द सर्कुलर ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट, सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, तो ये बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स है। अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर्स है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर्स, 15 करोड़ का डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में। ठीक है, तो ये कौन से फोर्सेस है? लॉन्ग रेंज फोर्सेस है। कौन से फोर्सेस है? लॉन्ग रेंज फोर्सेस है। समझ में आ रही है बातें? देन A15 में क्या बोला है हमें कि इफ इनिशियली द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इज आर एंड द मास इज M1 एंड M2, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज F। इफ दिस डिस्टेंस इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स, तो डिस्टेंस डबल हो गया, तो पहला फोर्स जो होगा F1 लिखता हूँ मैं, कितना होगा? F बोल देता हूँ मैं, पहला फोर्स है बिटवीन द बॉडीज इज 15। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। A15 बोला है कि पहला जो डिस्टेंस है F वो है G M1 M2 अपॉन R2। फिर बोला गया है कि डिस्टेंस इज इंक्रीज बाय 2, मतलब R डबल हो गया, तो क्या हो जाएगा? F डैश का वैल्यू हो जाएगा G M1 M2 अपॉन 2R का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4R2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आंसर होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर सकता हूँ मैं इस फैक्टर को F से, इस पूरे टर्म को मैं F से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मेरा आंसर आएगा नया फोर्स इज इक्वल टू फोर्स, पुराना फोर्स डिवाइडेड बाय 4। तो ये ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? तो B इज द राइट आंसर। A15 का आंसर क्या होगा? B, कि फोर्स बिटवीन द टू मासेस 4 से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? देन A16 क्या है? A16 क्या है? टू बॉडीज ऑफ मास M1 M2 आर प्लेस्ड अ डिस्टेंस आर अपार्ट, दे हैव अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F बिटवीन देम। इफ बोथ द मासेस आर रिड्यूस्ड टू हाफ देन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बी क्या है? टू बॉडीज ऑफ मासेस M1 M2 आर प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट, दे हैव अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F बिटवीन देम। इफ बोथ ऑफ द मास आर रिड्यूस टू हाफ, आप मास हाफ कर दिया बोल रहे हैं कि पहले M1 M2 था मास, अभी M1 by 1, मतलब M1 by 2 एंड M2 by 2 हाफ हो गया। ठीक है, फिर भी क्या हो जाएगा? अगर मास आधा हो गया तो भी फोर्स आर बाय, मतलब F/4 होगा। समझ में आ रही है बातें? तो बहुत ही आसान से सवाल दिए हुए हैं, कोई इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। A17 क्या बोल रहा है हमें? A17 बोल रहा है कि द फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑफ 1 kg ईच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो दो मासेस हैं M1 M2, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, तो
तो फोर्स कितना हो जाएगा, वन 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 दिया हुआ है, तो एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, ऐसा ही दिया था। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमें इतना ही वैल्यू मिलेगा। ये 17 का ए ऑप्शन आंसर आएगा। तो ये आप ट्राई करो, आपको आंसर ज़रूर आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 18, A18 बोला है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल ड्यू टू अर्थ हैज़ अ मैग्नीट्यूड एफ एंड दैट एक्टिंग ऑन द अर्थ ड्यू टू बॉल अ मैग्नीट्यूड एफ ई। तो क्या हो गया, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल ड्यू टू अर्थ, तो बॉल और अर्थ के बीच में जो फोर्स है वो, एंड दैट एक्टिंग ऑन द अर्थ ड्यू टू बॉल, और बॉल ने जो अर्थ को अट्रैक्शन लिया, तो ये भी उसको इतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा जितना बॉल ने अर्थ को किया, अर्थ भी उतना ही करेगा बॉल को। तो हमेशा क्या होता है ये, A18 का आंसर क्या है। ठीक है, तो आपको पूछा क्या गया है, लेकिन द एक्टिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ ड्यू टू बॉल, तो दोनों का फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, उसमें सोचने की क्या बात है। मुझे लगा और कुछ यहाँ पे ऐसा, ये सिंबल दिया हुआ है ना, इसका मतलब होता है कि लिख के आपको प्रैक्टिस करके देखना है, लेकिन ये बहुत ही आसान सा सवाल है, तो A18 का ये आंसर होगा। देन A19 में क्या बोला है आपको, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड अपॉन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड अपॉन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड अपॉन, क्या किस पे नहीं डिपेंड करती, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस पर डिपेंड करती है। ये सही है, तो ये आंसर नहीं हुआ, डज नॉट बोला है, सम ऑफ देयर मासेस सम नहीं है, एडिशन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है, तो ये आंसर डज नॉट डिपेंड होगा, तो ये है हमारा सही आंसर। ठीक है, A20 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जी इन ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, जी का क्या होता है, 10^-11, 6.67 इंटू 10^-11 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। A21 टाइप ऑफ फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन द चार्ज बॉडीज, टाइप ऑफ फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन द चार्ज बॉडीज, चार्ज बॉडीज के बीच में टाइप ऑफ फोर्स क्या होता है, टाइप ऑफ फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन चार्ज बॉडीज इज, A21 का आंसर क्या होगा, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो बिटवीन टू मासेस एक्ट होता है, तो चार्ज बॉडीज बोला है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है ये, तो चार्जेस के बारे में आपको अगर पता होगा कि बिटवीन क्या होता है, क्योंकि चार्ज तभी एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब अगर ये कोई मास है, ठीक है, एम वन एम टू, अगर ये मास है तो मास के ऊपर ही चार्ज बैठ सकता है, आके चार्ज बैठेगा मास के ऊपर आके, ठीक है, पॉजिटिव है या निगेटिव, चार्ज विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो उनके पास दोनों इलेक्ट्रिकल फोर्सेस रहेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स रहेंगे, क्योंकि मास तो उसका एग्जैक्टली रहेगा, मतलब अगर आप ये स्टेटमेंट जान ले कि चार्ज ऑन अ बॉडी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, तो अगर ये बॉडी का मास है, ये बॉडी का मास है, उसके ऊपर चार्ज बैठता ही तब है जब इसका कुछ एग्जिस्टेंस हो, बिना मास के कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो उसके ऊपर चार्ज भी नहीं आ सकता। ठीक है, समझ में आया क्या, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसान लगेंगी अब, और
समझ में भी आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? द टाइप ऑफ फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द चार्ज बॉडीज इज बोथ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रहा है? बॉडीज फॉलिंग नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सर्फेसिस, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन अर्थ सर्फेस इज क्या है? यही यार, अभी तो बताया था, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें मजाक चल रहा है। दैट इज, तो बॉडीज फॉलिंग सेक्शन बी में हम ये पढ़ेंगे, बॉडीज फॉलिंग नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जो गिरने वाली है बॉडीज अर्थ के सर्फेस पे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या है, थोड़ा सा अलग कलर लेता हूँ, कौन सा लूँ बताओ? ये ऐसा कुछ अजीब सा कलर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसमें अगर किसी को गुंजाइश है तो बहुत मार खाएंगे आप लोग। देन बी टू क्या बोल रहा है हमें? बी टू बोल रहा है कि कुछ मत करो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बताओ। क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? हैज़ द सेम वैल्यू एवरीवेयर इन द स्पेस, लेकिन अर्थ से आप ऊपर जाओगे तो वैल्यू चेंज होती है। जितना आप ऊपर जाओगे इतनी वैल्यू कम होगी, जितना दूर जाओगे अर्थ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, राइट? तो फिर बोला वेरीज विद अल्टीट्यूड, तो बात सही है, वेरीज विद अल्टीट्यूड, ये सही लग रहा है। बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लो, हैज़ द सेम वैल्यू एवरीवेयर इन द अर्थ, नहीं है ना, स्पेस में सेम वैल्यू होती है, नहीं। देन इट इज़ ग्रेटर ऑन मून, मून पे ग्रेटर होती है क्या? है ना, मून पे तो कम होती है, 1/6 टाइम्स ऑफ अर्थ, मतलब 6 गुना कम हो गई अर्थ से। ठीक है, तो मून पे कम होती है। ये कलर पसंद नहीं आया, ये कलर दूसरा लेते हैं, ऐसा कुछ कलर लेते हैं। ठीक है, देन बोला है आपको B3 में क्या बोला है? व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सेम हाइट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द मून, तो क्या हो जाएगा? हमने ये एक प्रॉब्लम किया है सॉल्व एग्जाम्पल में, इसका आंसर क्या होगा? कि एक बॉडी अर्थ पे गिरी और एक, सॉरी जंप की, सॉरी ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट बोल रहा है ना, सॉरी, और ये मून पे, ये मून है और ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये मून है। ठीक है, फ्रॉम द सेम हाइट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड द मून, द रेशियो ऑफ टाइम टू रीच द ग्राउंड। तो देखो, जहाँ पे ग्रेविटी कम है, जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है, ठीक है, इसके बेसिस पे डिफरेंस करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि ड्रॉप करने के बाद एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ड्रॉप करेंगे मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, तो ये इक्वेशन बनेगा एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर बनेगा। जी लगेगा यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ का लगेगा, और एक इक्वेशन, दूसरा वाला एक इक्वेशन आएगा इक्वेशन टू मून का लगेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस इक्वेशन को याद रखिए, ठीक है, मैं फिर से मिटा रहा हूँ इसको। आपको बोला गया कलर चेंज करता हूँ, मुझे पसंद नहीं आया, रेड कलर ही लेता हूँ मैं। तो इफ प्लैनेट, सॉरी, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट है ना, व्हाट विल द रेशियो ऑफ टाइम, टाइम क्या, रेशियो क्या होगा? तो अब आपको पता है एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये अर्थ का टाइम ले लेते हैं, टी स्क्वायर पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा? एस इज इक्वल टू हाफ जी, दैट इज ग्रेविटी ऑन मून इंटू टाइम ऑन मून का स्क्वायर, ग्रेविटी ऑन मून, ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम हाइट से हमने ड्रॉप किया है तो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, ये भी सेम हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन आएगा, ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन आने के बाद ये हो जाएगा टी ई का स्क्वायर अपॉन टी एम का स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर ले लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू इनवर्स प्रोपोर्शन, जी एम ऊपर जाएगा जी ई नीचे आएगा, अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा √6:1। सही बात है, आएगा कि नहीं आएगा? तो आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंसर √6, मतलब जो आप ऊपर लेंगे रेशियो ऑफ
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पूछा गया है, तो आंसर क्या आएगा अपना? आंसर इन दोनों में से एक आएगा, क्योंकि इसी में दिख रहा है √6। ठीक है, तो जो रेशो आप ऊपर ले रहे हो, तो आपको रेशो क्या पूछा है? व्हेन द बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, द रेशो ऑफ टाइम टू रीच द ग्राउंड। तो रेशो ऑफ अर्थ अपॉन मून का रेशो लेंगे, टाइम ऑन अर्थ अपॉन टाइम ऑन मून। तो आंसर इसका आएगा B3 का D। समझ में आ रहा है क्या? तो इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, तो उस वजह से ये रिलेशन आपको मिलेगा। तो जो भी है इन दोनों में से एक मिलेगा, तो आप इसका आंसर देख लेना। B12, B12 क्या है? इफ प्लैनेट एग्जिस्ट हुज मास एंड रेडियस बोथ हाफ ऑफ द अर्थ, मास भी आधा है अर्थ से और रेडियस भी आधी है अर्थ से, एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? तो हमारे पास फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अर्थ के लिए हो गया, अर्थ से आधा है मास और रेडियस भी आधा है, तो R/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा फिर यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो। ठीक है, इस इक्वेशन के हिसाब से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, नया जो ग्रेविटी हम ढूंढ रहे हैं उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी? जी M/2 एंड R/2 का होल स्क्वायर। सही बात है, तो ये इक्वेशन आ जाएगा GmR2। ठीक है, ये 2 उधर जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, है ना? ये 4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर गया और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, ये वाला 4 बन के ऊपर चला जाएगा यहाँ। ठीक है, तो 4/2 होगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स GM/R2। तो 2 टाइम GM/R2, इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेविटी की वैल्यू 2 गुना बढ़ गई, 2 टाइम्स G बढ़ गई। तो ये वैल्यू इसका आंसर आएगा B4 का, B4 का आंसर विल बी 19.6, क्योंकि G की वैल्यू 9.8 है, तो 2 × 9.8 करेंगे हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 19.6। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात है? तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को कंसिडर करो और आगे बढ़ो। देन B5, B5 क्या है? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ऑब्जेक्ट को तुमने ऊपर फेंका, तो ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, एक्सेलरेशन ऊपर गया मतलब डायरेक्शन ऊपर है और ग्रेविटी नीचे है, इन द सेम डायरेक्शन होगी क्या? नहीं। इंक्रीजेस व्हेन इट एज इट कम्स डाउन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज ऐसा नहीं है, हम जो बॉल को फेंकते हैं ग्रेविटी हमेशा सेम लगती है, हमेशा बिकम जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, ग्रेविटी कभी जीरो नहीं हो रही है एट द हाईएस्ट पॉइंट। हम जो बॉल थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली वो जाएगा ही कितना ऊपर, तो आंसर ए सबसे सही आंसर हमें लग रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। देन B6, B6 में क्या बोल रहे हैं हम? B6 में बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सर्फेसिस, मून के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, मून के ऊपर नहीं है अर्थ के, 6 टाइम दैट ऑफ, तो ज़्यादा नहीं है अर्थ से, ज़्यादा थोड़ी है मून पे, मून पे तो हल्का है ना, तो 1/6 टाइम है, तो ये आंसर सही होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इन सारे क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर B7, B7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर B7 बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, तो रेशियो ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑन अर्थ एंड ग्रेविटी ऑन मून, ग्रेविटी ऑन मून कितना है? 1/6 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ है, मतलब आंसर सी विल बी द राइट आंसर। तो ये अगर आपको थ्योरी अगर अपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। B8 क्या बोला? SI यूनिट ऑफ जी। अरे यार ये क्या सवाल पूछ लिया, ठीक है एकदम ही लल्लू सवाल, ये हो जाएगा m/s². अगर इसमें आपने गलती की तो आपको ऐसा रूम में बंद करके, लाइट बंद करके ऐसा धोना चाहिए। ठीक है, देन B9, B9 क्या है?
द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बारे में क्या बोल रहा है, मच अबाउट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ सरफेस की बात चल रही है। क्या बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या वैल्यू होती है? ठीक है, B9 क्या बोला है, नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। डीप इनसाइड द अर्थ होती है क्या? नहीं। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है क्या? नहीं। मच अबाउट द सर्फेस ऑफ द अर्थ होती है क्या? नहीं। ग्रेविटी कम होती है वहाँ पे, सर्फेस पे ही 9.8 होती है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। B10, B10 क्या बोल रहा है, द पार्टिकल इज टेकन टू हाइट आर अबाउ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का सर्फेस ऑलरेडी आर है और उससे भी ऊपर आर डिस्टेंस पे लेके गया। ठीक है, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देयर इज, तो देखो डिस्टेंस कितना है, आर प्लस आर हो गया, मतलब 2 आर हुआ टोटल डिस्टेंस। ठीक है, 2 आर हुआ टोटल डिस्टेंस, तो क्या होने वाला है, 2 आर हुआ ना टोटल डिस्टेंस, तो क्या होगा, तो ये वाला फॉर्मूला है, हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप ये वैल्यूज डालेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, मास ऑफ द अर्थ आपको पता है, ये वैल्यूज आप डालेंगे आर आर, तो कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन 2 आर का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 4 आर स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी है हमारी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज 9.8, तो ये हो जाएगा 9.8 डिवाइडेड बाय 4, 9.8 डिवाइडेड बाय 4 विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, दैट विल कम आउट टू बी 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देन B11, B11 क्या है, B11 की वैल्यू है, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अप द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज, व्हेन द बॉडी इज थ्रोन अप, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, डायरेक्शन बोल रहे हैं ना हम लोग, कौन सी डायरेक्शन है, अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लग रही है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बहुत ही आसान सा सवाल। B12, द वैल्यू ऑफ जी एट पोल इज, वैल्यू ऑफ जी एट पोल क्या है, वैल्यू ऑफ जी एट पोल, पोल पे जैसे अर्थ ऐसा फ्लैट थोड़ा सा अंडा शेप है, इलेप्टिकल शेप है ऐसा है, इधर फ्लैट है, यहाँ डिस्टेंस कम है, तो पोल पे ग्रेविटी इज मोर देन द ग्रेविटी एट इक्वेटर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज मोर ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। ठीक है, समझ में आ रही है बातें, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। B11 हमने कर लिया है, B12 का आंसर है हमारा विल बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ क्या पोल, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखिए ये डिस्टेंस सेंटर से, ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस से 22 किलोमीटर छोटा है, इक्वेटर वाला जो डिस्टेंस है वो बड़ा डिस्टेंस है, क्योंकि अर्थ ऐसा थोड़ा सा चपटा है, अंडे जैसा है। ठीक है, पूरा का पूरा स्पीयर नहीं है, ऐसा परफेक्ट स्पीयर नहीं है कि हर जगह से रेडियस सेम होगा। ठीक है, यहाँ रेडियस ज़्यादा है, यहाँ रेडियस कम है, तो रेडियस जहाँ ज़्यादा वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है। देखिए जी जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो इनवर्स प्रोपोर्शन है ग्रेविटी और रेडियस के बीच में, तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी एट पोल विल बी ग्रेटर देन दैट एट द इक्वेटर, लेस देन नहीं है, इक्वल भी नहीं है, नन ऑफ दिस तो ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि ये आंसर सही है। ठीक है, B12, B13, टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास 500 ग्राम एंड 200 ग्राम रिस्पेक्टिवली आर ड्रॉप नियर द अर्थ सरफेस, लेट द एक्सेलरेशन ए एंड बी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी है ना, टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास आर ड्रॉप नियर द अर्थ सरफेस, तो ये अर्थ का सरफेस है, सपोज दो बॉडीज को ड्रॉप किया गया, लेट द एक्सेलरेशन
ठीक है, तो दोनों पे एक्सेलरेशन क्या लगेगा? बहुत ही ट्रिकी सवाल है क्या? कंफ्यूज हो गए क्या? एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है? दोनों को सेम हाइट से अगर फेंका तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी हमेशा सेम रहेगा, तो ये ग्रेविटी ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही लगेगा दोनों के ऊपर, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। बी फोर्टीन क्या हो जाएगा? बी फोर्टीन में टू आयरन वुडन बॉल्स आइडेंटिकल इन साइज आर रिलीज फ्रॉम सेम हाइट इन वैक्यूम, द टाइम टेकन क्या होता है बाय देम टू रीच द ग्राउंड। तो आयरन का बॉल है और एक वुडन बॉल है, ठीक है, आइडेंटिकल इन साइज, दोनों का साइज सेम है, ठीक है, साइज सेम है मतलब वॉल्यूम सेम है दोनों का, क्योंकि ऑब्वियसली मास अलग अलग होगा, आयरन वाला हेवी होगा एज कम्पेयर टू वुड, ठीक, रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट इन वैक्यूम, तो क्या होगा? टाइम टेकन, हमने वो एक्सपेरिमेंट देखा था ना वीडियो में, मैंने वो एक्सपेरिमेंट डाला हुआ है कि बर्ड का फिदर और एक मेटल का बॉल दोनों का टाइमिंग गिरने का एक साथ होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया के ऊपर हम लोग बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, B14 का आंसर विल बी एग्जैक्टली इक्वल, नॉट इक्वल नहीं हो सकता, हम लोग को लगता है कि जो आयरन का बॉल होगा वो जल्दी गिर जाएगा एज कम्पेयर टू वुडन बॉल, लेकिन ये हमारा मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, अभी भी कुछ बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा होगा मुझ पे, पर अगर एक पत्थर फेंको और अगर एक हल्का सा प्लास्टिक का बॉल भी फेंकोगे तो भी दोनों अगर सेम हाइट से फेंक रहे हो तो सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे, ठीक है, आप घर पे करके देखो, एक बर्तन फेंको और एक कुछ कांच का चीज़ फेंको नीचे, ठीक है, और फिर आपके मम्मी पापा आपको धोएंगे पकड़ के, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आयरन बॉल लो और एक सादा बॉल लो और दोनों को एक साथ फेंको, ठीक है, दोनों एक साथ सेम टाइम पे एग्जैक्टली इक्वल टाइम पे, टाइम टेकन विल बी इक्वल, ठीक है, समझ में आया? तो B14, अब हम जो पार्ट डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन सी, दैट विल बी मास वेट एंड केपलर्स लॉ, ठीक है, मास क्या होता है वेट क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब मुझे बताओ C1 में क्या बोला है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज भूसा ये भरा इन द बॉडी, आपका आपके बॉडी में जो भी भरा हुआ है चीज उसी के वजह से आपको मास मिला है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो कि बॉडी में उसी की वजह से मास क्रिएट हुआ है, तो छोटे छोटे पार्टिकल को ही हम मैटर बोलते हैं, मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड एज मास, सेम एज द वेट ऑफ द बॉडी, वेट नहीं होता, जब मास को हम किसी भी जगह ग्रेविटी पे लगाते हैं तो वेट अलग अलग होता है, जैसे मून पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है और अर्थ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे वेट अलग होगा, वेट अलग होगा, इस पे मून पे वेट अलग होगा, क्योंकि भूसा भरा इन द बॉडी दैट इज मास ऑफ द बॉडी, मैटर कंटेंट इन द बॉडी वो कभी चेंज नहीं होता, मास कभी चेंज नहीं होता, भले ही उसका वेट प्लैनेट टू प्लैनेट वैरी करे, ग्रेविटी टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैरी करता है, सिंपल सी बात है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज तो क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स, वो तो मास होता है, पहले का आंसर मास है, रेफर्स टू एज इनर्शिया, इनर्शिया भी मास पे ही डिपेंड करता है, सेम एज द मास बट इट इज एक्सप्लेन इन डिफरेंट यूनिट, ऐसा है क्या? नहीं, मास वेट क्या हो, मास एक मैटर कंटेंट है लेकिन वेट क्या है, फोर्स है, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज वेट, है ना, समझ में आ रही है चीजें, तो कंफ्यूज नहीं होना है। C3 में क्या लिख रहे हैं हम लोग, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, वेट किस पे डिपेंड करता है, वेट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या, है ना,
मास पे डिपेंड करता है, हाँ करता है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इन इस ऑब्जेक्ट इन तीनों में से एटमोसफियर पे डिपेंड करता है क्या? एटमोसफियर पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। C4, C4 क्या? मास ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड टू बी 20 kgs ऑन द अर्थ, इट्स मास ऑन मून विल बी, क्या बोला है? मास ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड टू बी 20 kgs ऑन अर्थ। मास कहाँ होगा? मास कभी चेंज होता है क्या? मास 72 बन जाएगा क्या अपने आप? भूसा अपने आप चेंज हो जाएगा क्या? बॉडी में जो भरा हुआ है कंटेंट है वो चेंज हो जाएगा क्या? कभी चेंज नहीं होगा, तो 20 kgs ही रहेगा, ठीक है। C5, C5 क्या है? ए हेवी स्टोन फॉल्स, हेवी स्टोन फॉल्स फास्टर देन द लाइटर स्टोन, ये हमको लगता है ऐसा, लेकिन ऐसा है क्या? अभी हमने डिस्कस किया कि आयरन का बॉल फेंको या वुड का फेंको, दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे, ठीक है। सुनने में अजीब लगता है लेकिन है, सही है जो बोल रहे हैं हम लोग। स्लोअर देन द, स्लोअर भी नहीं गिरेगा, फास्टर भी नहीं गिरेगा, सेम एक्सेलरेशन एज क्या? लाइट स्टोन, ठीक है, सेम एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। देन C5, C5 क्या है? C5 है कि स्टोन इज ड्रॉप, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, इट टेक्स 4 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड, द हाइट ऑफ द, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टोन ड्रॉप किया मतलब इनिशियल स्पीड होगी उसकी 0, वहाँ से यहाँ ड्रॉप किया है ना, तो उसकी स्पीड होगी 0। हाइट हमें निकालनी है, यहाँ उसकी मैक्सिमम हाइट होगी लेकिन टाइम दिया हुआ है, मैक्सिमम स्पीड होगी यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे टाइम दिया है 4 सेकेंड्स। देन हाइट ऑफ द, हाइट ऑफ द, क्या हाइट ऑफ द बॉडी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है ना, वही पूछा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी होगी, है ना, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछा है हमें, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो आप कैलकुलेट करो, सिंपल सा फॉर्मूला है, काइनेमेटिक्स हमने पढ़ा हुआ है, स्टोन ड्रॉप, तो ये अभी बताऊंगा नहीं मैं, तो ईजिली आप इसका आंसर देख के बताओ मुझे। देन C7, C7 क्या बोल रहा है हमें? अ बॉय, ए बॉल इज थ्रोन अप एंड अटेन द मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज इज इनिशियल स्पीड, मतलब यहाँ से फेंका है ऑब्जेक्ट को, यू कुछ तो कुछ स्पीड होगी, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है, तो हाइट निकालना है, इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, हाइट निकालना है, मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फॉर्मूला लिखेगा, काइनामेटिक्स का तीसरा इक्वेशन लगेगा, आंसर आपका आ जाएगा। लल्लू पल्लू आंसर क्वेश्चन है, करो आराम से। देन क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 पे जाते हैं। बॉडी इज थ्रोन अप विथ इनिशियल स्पीड मैक्सिमम हाइट अटेन, सेम टाइप के क्वेश्चन, इधर से फेंकेंगे इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी हो जाएगी 0, हाइट पता चल जाएगी, वही क्वेश्चन है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सेम फार्मूला लगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। मतलब स्पून फीडिंग बंद कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये तीनों क्वेश्चन इजीली आने चाहिए, अगर आपको अभी भी ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर C9, C9 क्या है? C9 में बोला गया है बॉडी हैज़ अ वेट 120, उसका वेट है मतलब फोर्स है, कितना है फोर्स? 120 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है ना। इफ इट टेकन टू मून वेट विल बी, अब वेट क्या हो जाएगा, जैसे इसका मास निकाल लो, मास क्या हो जाएगा अर्थ पे, इस अर्थ इज इक्वल 120 बाई जी, जी की वैल्यू कितनी है 10, मतलब हो जाएगा 12 किलो, 12 किलो इसका मास है ना, वॉट विल बी द वेट, अब मून पे वेट कितना है, 1/6 ऑफ अर्थ है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू जी बाय 6, तो हो जाएगा 12 इंटू
10/6 ये हो जाएगा 20 न्यूटन। तो आंसर कितना आएगा इसका, 20 न्यूटन। अरे समझा क्या ये, अगर नहीं समझा अभी तो इसका मतलब आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा अच्छे से, ठीक है? तो पहले वो वीडियो देखो और तुमको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बताओ, ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट्स अराउंड द सन कैसा होता है? ऑर्बिट सर्कुलर होता है, पैराबोलिक होता है, एलिप्टिकल होता है कि स्ट्रेट होता है? जो भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं अराउंड द सन, कैसे, कौन सी ऑर्बिट में है? इलेप्टिकल ऑर्बिट में है। केपलर का पहला लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, के प्लस फर्स्ट लॉ, ठीक है? ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए कि इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है हर चीज़, ठीक? तो ये 10 सवाल हमने सी सेक्शन में किए, 14 क्वेश्चंस हमने किए, तो टोटल ए सेक्शन में हमने किए 21 क्वेश्चंस, बी सेक्शन में हमने किए 14 क्वेश्चन, सी सेक्शन में किए हमने 10 क्वेश्चंस। टोटल इतने क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए। प्लीज़ ये बेसिक था वीडियो, आप देखो इसको और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ, ठीक है? कुछ डाउट्स है तो मुझे कॉल करो, मैसेज करो, ठीक? चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।